असगर सुन के बताओ मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं? जोरू का मां है? अच्छा बात नहीं है। मनोज वाजपेयी जिनको अपने काम के लिए पद्मश्री और उनके एक्टिंग के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड मिला, वो अनडाउटेडली इंडियन सिनेमा के बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक है। उनका निभाया हर एक किरदार ऐसे लगता है जैसे उनके अलावा और कोई निभा ही नहीं सकता था। यही बात उनके हर एक कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाती है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने कई छोटे छोटे रोल्स निभाए। शुरुआती दौर में इम्तिहान और स्वाभिमान जैसे टीवी सीरियल से उनके एक्टिंग का हुनर लोगों के सामने आया। उनका दौड़ फिल्म का छोटा मगर पावरफुल रोल राम गोपाल वर्मा को इम्प्रेस कर गया और उनकी फिल्म सत्या के लिए उन्हें भीकू मात्रे का रोल ऑफर हुआ। हाल ही में उनको फिल्म भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। इसी मौके पर आज की इस वीडियो में उनके 15 यादगार परफॉर्मेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पर है अनुराग कश्यप की 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें मनोज ने सरदार खान का कैरेक्टर प्ले किया था। ये अनुराग और मनोज के कॉम्बो का ही कमाल था कि सरदार खान का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बन गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक कल्ट क्लासिक बन गई और मनोज का एंटी हीरो का किरदार बहुत पॉपुलर हो गया। रामधेश सिंह को बड़प्पन का सीढ़ी चढ़ते रोज देखा नहीं जाता। उस खरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म अलीगढ़ में मनोज ने प्रोफेसर सिराज की भूमिका निभाई है। ये फिल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र सिराज के जीवन पर आधारित थी। अपने इस परफॉर्मेंस से मनोज दर्शकों को इम्प्रेस या शॉक ही नहीं करते बल्कि झंझोड़ देते हैं। आप उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज के दौर के सिनेमा दर्शकों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। फिल्म में मनोज के अलावा राजकुमार राव भी थे। कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक अ डर्टी वर्ड, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। सत्या शायद अंडरवर्ल्ड और माफिया पर आधारित सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने लिखा और राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। मनोज ने इस फिल्म में भीकू मात्रे का गैंगस्टर का किरदार निभाया था। उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस से भीकू मात्रे को अमर ही कर दिया है। उनका मुंबई का किंग कौन आज भी सबको याद है। खांडिलकर को कल्टी दिया, अमोल शुक्ला गया, गुरुनाथ तो भी ऊपर, इधर भाव कलेक्शन जिताया कौन? भीकू मात्रे। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। नंबर 4 पर है 1999 की फिल्म शूल। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की करप्ट सिस्टम से लड़ाई पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म में मनोज के साथ रवीना टंडन भी थी। अभी भी नाम पूछना है का? भैया प्रेसिडेंट है तो क्या लड़की को छेड़ेगा? तेरी बहन को बुलाकर सारे बाजार से छुड़वाएं हम अभी? नाम बोल। सौरभ क्या? इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर दर्जनों फिल्में बनी हैं, लेकिन कितनी पार्टीशन के दर्द को और ह्यूमन इमोशंस को बड़े पर्दे पर साकारने में सफल रही। 2003 की फिल्म पिंजर ये करने में कई हद तक सफल रही। मनोज वाजपेयी ने सही मायने में अपने किरदार का इनर कॉन्फ्लिक्ट बखूबी कैमरे के सामने पेश किया है। मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दे मुझे। ओ नेकबख्त, अब उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उनकी बिरादरी का कौन हिंदू शाहों के घर का पानी पिएगा? पूरो, तुम मेरे घर में पूरे 15 दिन रही हो। 6 नंबर पर है 2016 की राजेश पिल्लई द्वारा निर्देशित फिल्म ट्रैफिक। ये 2011 के मलयालम मूवी की रीमेक थी। इस फिल्म को देश और दुनिया की अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में ढेरों पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म में मनोज ने ट्रैफिक हवलदार का कैरेक्टर प्ले किया है। फिल्म की कहानी हार्ट ट्रांसप्लांट की है जो अर्जेंट करना है, लेकिन हेवी ट्रैफिक ऐसा करने से रोकती है। घुसखोर का धब्बा लेकिन ड्यूटी नहीं करना है मेरे। 160 किलोमीटर 2.5 घंटे, ना कहीं थकना है ना कहीं रुकना। नंबर 7 पर है 2007 की गणेश आचार्य की फिल्म स्वामी। इस फिल्म में मनोज ने एक सिंपल स्मॉल टाउन के आदमी की भूमिका निभाई है जो मुंबई में अपने लाइफ को बेटर करने के लिए आता है। क्रिटिकल सक्सेस मिलने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फेल हो गई, जैसा बहुत से ग्रेट फिल्मों के साथ हुआ है। लेकिन वक्त के साथ इस फिल्म को भी सिने लवर्स ने नोटिस करना शुरू किया। आपको आराम कुर्सी
इतनी पसंद है तो ले क्यों नहीं लेते? जब भी हम वॉर फिल्मों की बात करते हैं तो हमेशा बॉर्डर का नाम ही लेते हैं, मगर इस क्लासिक फिल्म को हम भूल जाते हैं। फिल्म की कहानी 6 सोल्जर्स की है जो पाकिस्तानी साइड से भागने का प्लान बनाते हैं। हमारे देशभक्ति की सभी फिल्मों में किसी न किसी तरह पाकिस्तान से नफरत दिखाया जाता है, पर इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाए बिना हमारे बहादुर जवानों का साहस और धैर्य इस फिल्म में दिखाया गया है। कभी गया उनको नहीं आया, ठीक है, हिम्मत रख। नौवें नंबर पर है 1999 की थ्रिलर फिल्म कौन। अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी और रामगोपाल वर्मा की तिकड़ी ने सत्या के बाद फिर से एक बार इस फिल्म से अपना कमाल दिखाया है। ये फिल्म इंडिया के बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में से एक है। नंबर 10 पर है पॉलिटिकल फिल्मों के महारथी कहे जाने वाले फिल्म मेकर प्रकाश झा की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म राजनीति। फिल्म में मनोज के अलावा रणबीर कपूर, नाना पाटेकर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, कैटरीना कैफ प्रमुख भूमिकाओं में थे। ये फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल रही। खलबली मच गई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। चिटगांग एक और ऐसी फिल्म थी जो बड़े फिल्मों के सामने बॉक्स ऑफिस पर कहीं खो गई। ये एक पीरियड फिल्म थी जो 1930 के दशक के बांग्लादेश में स्थित है, जहां एक यंग लड़का झुमकू अपने पिता की खोज पर निकलता है। मनोज वाजपेयी इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे, उन्होंने सूर्य सेन का किरदार निभाया था। ये वाजपेयी के करियर की सबसे अंडररेटेड फिल्मों में से एक रही। पूरे चिटागों को कब्जे में करना, वो भी अकेले, सोचना भी पागलपन है। पर जो आज तक हुआ नहीं वो अभी क्यों नहीं हो सकता? हम कामयाब ना हुए तो? अगर हम कामयाब हुए तो? नंबर 12 पर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की थ्रिलर फिल्म अक्स, जो आई थी 2001 में। अगर अंडररेटेड फिल्म ऑफ ऑल टाइम कोई अवार्ड होता तो शायद वो इस फिल्म के नाम ही होता। ये फिल्म मनोज वाजपेयी और अमिताभ बच्चन के करियर की इम्पोर्टेंट फिल्मों में से एक थी, लेकिन बड़े पर्दे पर इसे किसी ने नहीं देखा और वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म की कहानी एक मर्डरर की है जिसके मरने के बाद भी उसी के स्टाइल में मर्डर्स होते रहते हैं। फिल्म में बच्चन साहब एक कॉप की भूमिका में है जो ये मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश में है। ना कोई मारता है, ना कोई मारता है। रोड, जो आई थी 2002 में। फिल्म की कहानी लक्ष्मी और अरविंद नाम के कपल की है जो दिल्ली से जोधपुर जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें मनोज का कैरेक्टर मिलता है और आगे उन्हें किडनैप कर लेता है। इस फिल्म में मनोज ने अपने कैरेक्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले किया है। किसे झील का कमल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कब तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। देश के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित प्रकाश झा की ये और एक फिल्म थी जो नक्सल इश्यूज को उठाती है। इस फिल्म में मनोज के अलावा अर्जुन रामपाल और अभय देओल थे। मैं सिर्फ अतेक बोलू हूँ कि एसपी झूठ का मरहम लगाने आया है। 60 सालों ले ये लोग धोखा देते हैं, मीठी बातें सुना के झूठे वादे करते हैं, थोड़ी मिठाई खिला के आपका खून चूसते। नंबर 15 पर है 2001 की श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म जुबैदा। करिश्मा कपूर के परफॉर्मेंस के लिए ये फिल्म आज भी याद की जाती है, लेकिन मनोज के महाराजा विजयेंद्र सिंह के कैरेक्टर को आप मिस नहीं कर सकते। अरे वो बड़ी जल्लाद औरत हैं, तुम जैसी को तो निगल जाए और डकार तक नहीं ले। पहले तो सर से पांव तक देखेंगी कहीं गलत रंग की साड़ी तो नहीं पहनी, बाल कैसे बने, मेकअप ढंग का है। अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं। मनोज वाजपेयी के हमारी फेवरेट फिल्मों पर आधारित ये लिस्ट थी। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है हमें कमेंट करके जरूर बताना।
हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।